अब आपको नगरोटा और काजीगुंड में ट्रक वालों की लंबी लंबी लाइनें देखने को नहीं मिलेंगी ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक बड़ी राहत है और राहत यह भी है कि जो ट्रक जिन ट्रक ड्राइवरों को ट्रैफिक पुलिसकर्मी परेशान करते हैं मोटी मोटी लाठियां लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होते हैं और जबरदस्ती ट्रक ड्राइवरों को लंबे लंबे वक्त तक या तो नगरोटा टीसीपी पे रोका जाता है या काजीगुंड टीसीपी पे रोका जाता है और ये जो बात मैं कह रहा हूं लंबे लंबे डंडे हाथ में लेकर ये तस्वीरें हमने आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखाई हैं उसमें ट्रैफिक पुलिस पुलिसकर्मियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं कि ट्रक वाले काबू में नहीं आते उनको काबू करने का एक ही तरीका है कि हाथ में एक मोटा डंडा होना चाहिए आज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू दोनों डिवकॉम्स को यह कहा है कि आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि ट्रक ड्राइवरों को ना तो काजीगुंड में रोका जाए और ना ही ट्रक ड्राइवरों को नगरोटा में रोका जाए लंबी लंबी लाइनें उनकी ना लगे आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक चलाइए आप कोई तरीका ढूंढिए आप बीच में दो दिन के लिए ट्रक वालों को दो दिन के लिए ट्रैफिक को ड्राई ड्राई कर दीजिए कोई ट्रैफिक नेशनल हाईवे के ऊपर मत चलाइए क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर काम चल रहा है लेकिन आप अब आज के बाद ना तो नगरोटा और ना ही काजीगुंड श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के ऊपर ट्रकों को रोकेंगे आप उन्हें चलने दें और आप यह भी कहा कि कोई फोर्स हॉल्ट जो है उनकी मूवमेंट के ऊपर ना तो जम्मू से श्रीनगर लगेगा ना श्रीनगर से जम्मू यानी जबरन आप किसी जगह ट्रक ड्राइव ट्रक वालों को नहीं रोकेंगे यानी वो जो कट ऑफ टाइमिंग है उसको बंद कर दीजिए कट ऑफ टाइमिंग की कोई जरूरत नहीं है आप ट्रक वालों को भी बाकी जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनके साथ चलने दें आप उनके ऊपर रोक लगाकर कहीं कभी नगरोटा में रोकते हैं कभी काजीगुंड में रोकते हैं और उसके बाद घंटों उनके गुजर जाते हैं इंतजार में और कई स्टोरियां आपने स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी देखी होंगी जहां ट्रक ड्राइवर ये शिकायत करते हैं कि हमें लंबे लंबे वक्त तक कभी कई बार दो दो दिन तक इंतजार करना पड़ता है चार चार दिन तक इंतजार करना पड़ता है कि हमें नेशनल हाईवे पर चलने दिया जाए यह बात चीफ सेक्रेटरी ने जरूर कही कि अगर रास्ता बंद है अगर रास्ते में कोई दिक्कत है कोई परेशानी है अगर रोड रामबन और बनिहाल के बीच में किसी जगह पसी आई हुई है उसके कारण रास्ता बंद है आप ट्रक वालों को रोकना चाहें तो जरूर रोकें जहां आपको लगता है कि यहां पर खतरा है यहां पर ऊपर से लैंडस्लाइड आ सकता है या यहां पर किसी तरीके से ट्रक वालों को कोई नुकसान पहुंच सकता है आप उससे दूर ट्रक वालों को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं लेकिन जबरन आप किसी जगह नहीं रोकेंगे आप आलतू फालतू के अपने नए ऑर्डर्स निकालकर उन्हें नहीं रोकेंगे आप उनको पूरा मौका देंगे कि वो नेशनल हाईवे के ऊपर बाकी गाड़ियों के साथ चल सके उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो उड़ी पुंछ हाईवे है उड़ी पुंछ हाईवे को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि उस इस हाईवे की भी बहुत जबरदस्त जरूरत है यानी हम बात मुगल रोड की कर रहे हैं उसको, उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि इसको भी जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि दोनों यूनियन टेरिटरी तो जो डिविजन है यूनियन टेरिटरी की जम्मू और श्रीनगर जम्मू और कश्मीर इन दोनों भागों के बीच में एक ऑल्टरनेट रास्ता भी ट्रक वालों के पास गाड़ी वालों के पास हर वक्त अवेलेबल हो कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है वो कम से कम दूसरे रास्ते से ट्रेवल कर सके उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो छह किलोमीटर का स्ट्रेच है रामबन और बानिहाल के बीच में जिस छह किलोमीटर के स्ट्रेच में लोगों को जबरदस्त परेशानी आती है तो उसके लिए कहा गया कि जो मैन पावर की आपको जरूरत पड़ती है जो मशीनरी की आपको जरूरत पड़ती है उसका इस्तेमाल कीजिए और उसके अलावा आप ये भी करें कि ट्रैफिक के लिए ड्राई डेज भी एक्सप्लोर करें ताकि इस सड़क के ऊपर जो यातायात है वो बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी के चले और लोग ट्रक ड्राइवर्स को इस आ, सड़क के ऊपर चलने में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े उन्होंने यह भी कहा डिप्टी कमिश्नर को यह कहा कि जितने भी काम सड़क के ऊपर चल रहे हैं उनको और तेजी से करवाएं यानी अब आने वाले दिनों में आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर डे देखने को मिल सकता है यानी एक दिन कोई ऐसा होगा जिस दिन पूरे दिन ट्रैफिक नहीं चलेगा लेकिन बड़ी राहत ट्रक वालों के लिए ट्रक ड्राइवर्स के लिए क्योंकि उनकी परेशानियां की परेशानियों से तीन गुना ज्यादा थी कि उन्हें कभी नगरोटा रोका जाता और उनके उनको रोकने के कारण नगरोटा क्रॉस करने में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हो डोडा बदरा किश्तवाड़ की गाड़ियां हो या जो शॉर्ट रूट की गाड़ियां हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है कि अचानक किसी भी समय जो है ट्रक वहां ट्रकों की लंबी लाइन लगी होती है और उसके बाद जब इन ट्रकों को छोड़ा जाता है तो लगभग बन टोल प्लाजा के ऊपर एक डेढ़ घंटे तक जो पोजीशन रहती है वो बन टोल प्लाजा के कर्मियों के लिए भी बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानी वाली रहती है इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चीफ सेक्रेटरी ने साफ आदेश दिए हैं कि ट्रकों को अब आज के बाद ना रोका जाए ट्रक ट्रकों की मूवमेंट पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी आप जबरन कहीं किसी भी जगह ट्रक नहीं रोकेंगे सिर्फ आप ट्रक तभी रोकेंगे अगर किसी जगह रास्ता खराब है या रास्ता बंद है